नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ का भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। कहां किया है, किस तरीके से किया है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका जो आज बर्बादी के कगार पर है, बल्कि बर्बाद हो चुका है, वहां की जनता ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पॉलिसीज ऐसी थी। पेट्रोल वहां इतना महंगा हो चुका था, लिखने तक के लिए पेपर नहीं थे। आप अंदाजा लगाइए, वहां की जनता ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया, उसके अंदर घुस गए। वहां के जो राष्ट्रपति थे वो भी लगातार जो है वहां की जनता को जुमलेबाजी में फंसाते हुए आ रहे थे, लेकिन उनकी जो नीतियां थी, खासकर आर्थिक नीतियां, इतनी कमजोर थी, वो देश बर्बाद हो चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जब लोगों की आंख खुली तब उन लोगों ने देखा कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, तब जाकर वो राष्ट्रपति का विरोध करने निकलते हैं और राष्ट्रपति को धूम दबाकर भागना पड़ता है। अब यही हालात भारत में होने को है, मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं। जिस तरीके से डॉलर 80 रुपए पार पहुंच चुका है, LPG गैस 1050 रुपए से ज्यादा का हो गया है, पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है, लेकिन इन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बल्कि PM नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि जो आपको फ्री में सेवा देने की बात करता है तो उनसे होशियार रहिए, वो आपको फ्री में सेवा देकर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो सारी बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, जो सोशल मीडिया पर आपको मिलेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आज मीडिया में पूरी तरीके से प्रचार प्रसार है। जो खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो खबरें आपको कभी भी गोदी मीडिया नहीं बताएगा। ये देखिए, यूपी में मुरादाबाद SDM पर गंभीर आरोप। SDM घनश्याम ने शोरूम से 2,68,000 रुपए का फर्नीचर लिया, पैसे मांगने पर कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इनकी बैठ सुन लीजिए। एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया, कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर, फिर बाद में जो है बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा और अब मेरा दूसरा मेरी बेटी के लिए। SDM घनश्याम वर्मा जी, ये एक मुस्लिम व्यापारी है जो फर्नीचर का काम करते हैं। SDM साहब की बेटी को इन्होंने फर्नीचर दिया, जब इन्होंने बिल बनाकर भेजा तो उन्होंने इन पर बुलडोजर चला दिया। आप समझिए कि किस तरीके के हालात हैं। जो बुलडोजर की राजनीति थी खासकर मुसलमानों के खिलाफ, अब वो सामान लेने पर, पैसा मांगने पर भी बुलडोजर चला दे रहे हैं, तो ऐसे हालात हैं। ये देखिए, दीपक शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया है जय शाह से सवाल, डॉन ब्रेडमैन के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे अच्छा बैटिंग एवरेज मुंबई के सरफराज खान का है। पिछले 2 साल में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में ताबड़तोड़ बैटिंग की, जहां उनका औसत रिकॉर्ड 122.75 पहुंच गया। इतनी प्रतिभा के बाद भी देश की टीम में उन्हें जगह क्यों नहीं? तो लोग सवाल कर रहे हैं कि सरफराज खान को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, जबकि वो लगातार रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ये देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है, मोहम्मद जुबेर को जमानत देते हुए जज ने कहा, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति के स्वर आवश्यक है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबेर, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था धार्मिक भावनाएं याद करने के लिए। और ये देखिए, SSC GD 2018 के छात्र जो नागपुर से निकले थे आगरा में, उनको डिटेन कर लिया गया है और उनको डिटेन कर आगरा के अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया गया है ताकि वो दिल्ली ना आ पाए। इसके अलावा देखिए किस तरीके से ये सरकार, वहीं देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ बसपा प्रदेश अध्यक्ष जसवीर गढ़ी जी हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। तो बसपा का ये मैं शायद काफ़ी दिनों बाद सड़कों पर उतरे हैं, और इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। पंजाब में आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, रेवड़ी बांटकर थैंक यू के अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं? दरअसल मामला ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो लोग रेवड़ी कल्चर से बचकर रहे, जो लोग आपको फ्री में सेवाएं देने की बात करते हैं, फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, उनसे होशियार रहना चाहिए, वो आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, वो आपके लिए हाईवे नहीं बनाएंगे, वो आपके लिए सिक्योरिटी कॉरिडोर नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आपको फ्री में बिजली देंगे, राशन देंगे, एजुकेशन देंगे।
तो इस कल्चर से बचना होगा। आप समझिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देशवासियों का ध्यान रखे, उनको फ्री में एजुकेशन दे, उनको फ्री में हेल्थ फैसिलिटी दे, उनको फ्री में बिजली दे, लाइट दे, इस तरीके की तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं, सड़क, बिजली, मकान, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज जो है मीडिया और बीजेपी ने इस तरीके के हालात बना दिए हैं कि लोग फ्री की सेवाओं को समझते हैं ये गुनहगार है। आप समझिए, सरकार टैक्स लेती है जनता से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो सरकार के पास जो पैसा होता है वो जनता का ही होता है, तो जनता का पैसा जनता पे ही खर्च होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, जो आपको फ्री में सेवाएं देने का वादा करते हैं उनसे होशियार रहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री स्टेज से आकर ये बोल सकते हैं, तो फिर उनसे रोजगार की, हेल्थ फैसिलिटी की और शिक्षा की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो ये देखिए 140 करोड़ देशवासियों पर किस तरीके से इन लोगों ने तोहमत लाद दी है। तो आप समझिए कि जहां पर जो देश का नागरिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार को टैक्स देता है, पैसा देता है, और वो जनता का पैसा होता है, तो जनता के भलाई के लिए, जनता की वेलफेयर के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, आप रेवड़ी कल्चर को पसंद मत करिए और इनसे सावधान रहिए, ये आपको फ्री सेवाएं देकर आपको ठग सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो सरकार या जो नेता आपको फ्री सेवाएं देगा तो वो आपको क्या ही ठगेगा? ठगा तो उन लोगों ने है जिन लोगों ने कहा था कि हम आपको 15 लाख देंगे, ठगा तो उन लोगों ने है जिन लोगों ने कहा था हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठगा तो उन्होंने है जिन्होंने कहा था हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुमलेबाज और ठगीबाज कौन करता है। और अब देश को यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप फ्री सेवाओं की उम्मीद मत करिए, रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, क्योंकि बीजेपी का साफ एजेंडा है, वो सिर्फ अपने दो दोस्तों के लिए काम कर रही है, अडानी और अंबानी। तमाम देश भर की जो प्रॉपर्टी है या जो पैसा है वो सारा एक जगह जा रहा है। ये मैं नहीं कह, तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं, पिछले कई महीनों में अडानी की जो इनकम बढ़ी है, कई गुना उसकी इनकम बढ़ी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जनता के लिए फ्री सेवा देना ये रेवड़ी कल्चर हो गया। उसी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया है कि जो लोग रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं वो जरा युवाओं को रोजगार दे, तब जाकर वो बात करें, नहीं तो ऐसे जुमलेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। वो एक तरफ जहां एसएससी जीडी 2018 के छात्र नागपुर से पैदल दिल्ली आ रहे हैं, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, फ्री की आदत मत डालिए। केजरीवाल को क्या कहा जाता है कि ये 300 यूनिट बिजली फ्री देता है, बसों में महिलाओं के लिए फ्री देता है सेवाएं, तो ये ठग रहा है। सुधीर चौधरी ने बाकायदा इस पर डीएनए किया था। तो लोगों के दिमाग में ये इंजेक्ट किया जा रहा है कि आप जो है सरकार से कोई स्कीम नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है एक देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं कि आप फ्री ले रहे हैं तो आप जो है देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए काम करे, जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, जो पैसा टैक्स से आता है वो जनता के लिए खर्च करे, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराए, उनके लिए शिक्षा मुहैया कराए। लेकिन ये उसके लिए नहीं करते हैं, ये जनता को ये राय दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, जबकि खुद पीएम होने के बाद लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के जहाज में घूमते हैं, इतने बड़े आलिशान घर में रहते हैं, अब करोड़ों रुपए का नया संसद बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा। इसके अलावा तमाम जो सांसद हैं उनको महीने की लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, और जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है उसके बाद वो पेंशन पाते हैं उम्र जिंदगी भर तक। लेकिन जनता से कह रहे हैं कि आप फ्री वाले कल्चर में मत फंसिए, और ये लोग सारी मलाई खाएंगे। अगर फ्री वाले कल्चर में नहीं फंसना है तो फिर जितने भी सांसद हैं, एमपी है, विधायक हैं, एमएलए हैं, वो भी तनख्वाह ना ले, वो भी जनसेवा के लिए फ्री में करे, देश हित में जनसेवा करे, एक रुपया ना ले। लेकिन उस पर इनका मुंह नहीं खुलता। अभी वरुण गांधी ने कहा था कि मैं पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया। और ये जो जनता है, जो गरीब है, मजलूम है, जिसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके खाने पीने का, रहने का, कपड़ों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका इंतजाम करे, वो
जनता से कह रही है कि आप रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए, आप मुफ्तखोरी में मत फंसिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके की विचारधारा या इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो देश कहां से तरक्की करेगा। आज यही कारण है कि डॉलर 80 पार हो चुका है, एलपीजी गैस 1050 पार हो चुकी है और पेट्रोल तो 100 के पार कब से है। तो ये है हालात। और ये देखिए आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हड़बड़ी में उद्घाटन, वीडियो ट्वीट कर अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। अभी हाईवे पूरा बना भी नहीं था कि प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन में इतने उत्सुक हो गए, इतने उतावले हो गए कि कच्चे का ही उद्घाटन कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया वीडियो, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से अभी हाईवे बनी रहा है। एक तरफ सड़क पर भी काम ही चल रहा है लेकिन उसका उद्घाटन हो गया। तो ऐसे हालात हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अभी एक बिहार में पुल का उद्घाटन हुआ था, 2 दिन में वो गिर गया था। तो बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर यही हालात है। और जनता से ये कहते हैं कि आप फ्री की उम्मीद मत करिए, फ्री लेना छोड़ दीजिए। और अब ये देखिए तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ही देश को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा आरएसएस देश के लिए खतरा, पटना एसएसपी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जिस तरीके से पटना के एसएसपी ने कहा था, जो वहाँ पर 2 संदिग्ध आरोपी पकड़े गए थे कि वो मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, उसको लेकर कहा था कि ये उसी तरीके से मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस अपनी शाखाओं में देता है। बस फिर क्या था, उसको लेकर पूरी बीजेपी उनके पीछे पड़ गई, पूरी आरएसएस उनके पीछे पड़ गई और उनको सस्पेंड करने की बात करने लगी। लेकिन अब तेजस्वी यादव उनके सपोर्ट में उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आरएसएस ही भारत के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, क्योंकि उसका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना है, देश को तोड़ना है। तेजस्वी यादव अपनी फॉर्म में दिख रहे हैं। और ये देखिए रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया है, अच्छे दिन देश को लंका की तरफ लेकर जा रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जनता त्रस्त है और साहब मस्त हैं। सीएमआई की रिपोर्ट में सामने आई ये बात, आर्थिक अनिश्चितता से कंपनियां सतर्क, जून में 1.40 करोड़ रोजगार घटे, वेतन भोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ी, क्या है मौजूदा स्थिति। देखिए इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं जून में 140 करोड़ रोजगार घटे हैं बजाय देने के। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 लाख रोजगार देंगे और उससे पहले जब सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन कहाँ है रोजगार किसी को नहीं पता। तो ऐसे हालात हैं। और ये देखिए मध्य प्रदेश का जो लोकल चुनाव हुआ था वहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की करारी हार हुई है, वहाँ पर कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिली है। देखिए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव अब तक परिणाम 875 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, कांग्रेस 386 और बीजेपी 360, अन्य 129 जो इंडिपेंडेंट्स हैं। तो देखिए वहाँ पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, डॉलर गिरता ही जा रहा है लेकिन ये लोग उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, अगर बुलडोजर कानून कानून के राज की जगह ले लेता है तो कानून के राज में इस तरह की गिरावट तय है। जो मैंने आपको खबर बताई थी कि मुरादाबाद के एक फर्नीचर कारोबारी ने एसएसएसडीएम को जब फर्नीचर दिया, उसके बाद जब उन्होंने बिल बनाकर उनको भेजा तो उन्होंने उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। तो यूपी में ऐसे हालात है, अगर आप मुसलमान हैं तो अगर किसी अधिकारी को भी आप फर्नीचर देते हैं तो पैसे की उम्मीद मत करिएगा, आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी। और ये देखिए कश्मीर के कठुआ जिले की कुस्बा गाँव की आदिवासी खानाबदोश मुस्लिम बेटी समायरा शकील द्वारा 10वीं परीक्षा में 500 में से 496 अंक प्राप्त करने पर उन्हें बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगर आदिवासी बच्चों को पढ़ने का उचित अवसर व बेहतर वातावरण मिले तो बुलंदी छू सकती हैं। ये देखिए जो ट्राइबल्स है जम्मू के, उसमें एक लड़की है सुमायरा, उसने 99.10% जो है 10वीं क्लास में मार्क्स प्राप्त किए हैं। और ये लोग कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता है, लेकिन मौका तो दीजिए, एक मौके की तलाश में अगर मौका मिलेगा तो वो मेहनत करके दिखाएगा। लेकिन ये लोग हमेशा आरक्षण को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं और उसी के सहारे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन
जब जब आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को मौका मिला है तो वो इस देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, इस देश को मिसाइल भी दी है और इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है। तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो युवा हैं वो बॉर्डर पर आज भी खड़े हुए हैं अपनी जान न्यौछावर करने के लिए। आए दिन जब आप देखते होंगे कि बॉर्डर से जब खबरें आती है तो उसमें ज़्यादातर SC ST OBC और माइनॉरिटी के ही लोग होते हैं। अभी जम्मू में एक मुस्लिम नौजवान थे, उनकी एक आतंकवादी घटना में मौत हो गई थी, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो ये सारी खबरें थी कि किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ जनता से कह रहे हैं कि आप मुफ्तखोरी के कल्चर में मत फंसिए। वहीं दूसरी तरफ जल्दबाजी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया है जबकि वो अभी पूरा बना भी नहीं है। और वहीं तीसरी तरफ SSC GD 2018 के जो छात्र थे उनको जबरदस्ती डिटेन कर आगरा के यूपी के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है ताकि वो दिल्ली में संसद पहुंचकर अपनी डिमांड ना कर सकें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।